नमस्कार दोस्तों, बिंग आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम पेपर टू के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। हम दो चीजें उसमें कवर कर चुके हैं, एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशंस। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि प्रेसिस कैसे लिखें और आर्ग्यूमेंट्स और रिपोर्ट राइटिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। तो पहले प्रेसिस राइटिंग जो आता है हमारा, एक क्वेश्चन होता है उसका 15 मार्क्स का होता है। और जो आर्ग्यूमेंट होते हैं, दो टॉपिक पे आर्ग्यूमेंट लिखने होते हैं, और जो 20 मार्क्स का एक होता है तो 40 मार्क्स इसके हो जाते हैं। और रिपोर्ट राइटिंग होती है हमारी 10 नंबर की एक, तो दो क्वेश्चन होते हैं इसमें भी, तो ये 20 नंबर के हो जाते हैं। तो टोटल हमारा हो जाता है 15, 40 एंड 20। तो देखते हैं प्रेसिस राइटिंग में कैसे हमें क्या, एक तो पहले देखते हैं कि प्रेसिस होता क्या है, तो और उसको कैसे लिखना चाहिए वो हम देखेंगे। तो इसमें क्या होता है कि ये एक जो पैसेज दिया होता है उसका एब्स्ट्रैक्ट होता है, उसको प्रेसिस बोलते हैं। और इसमें जो है, जो तुम्हारे पैसेज में मेन पॉइंट्स होते हैं उनको इंक्लूड करके उसको शॉर्ट करके लिखना होता है, अराउंड 1/3 लेंथ में। अगर 450 वर्ड्स का पैसेज दिया हुआ है तो आपको अराउंड 130 टू 150 में कंप्लीट करना होगा वो। तो इसमें इसके कुछ अगर पॉइंट्स हम ध्यान रखें तो ये हम अच्छे से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो इंस्ट्रक्शन, क्वेश्चन की जो भी इंस्ट्रक्शन है उनको ध्यान से पढ़ लें, और पूरा सेंटेंस जब पैसेज पढ़ते वक्त उसको, उसका अगर टाइटल पूछा गया है तो उसको ट्रेस कर लें कि हाँ क्या सुटेबल टाइटल बन सकता है इसका। और उसको फिर पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़े अच्छे से, और कम से कम दो बार अगर टाइम तुम मैनेज कर पा रहे हो तो दो बार उसको जरूर पढ़े। फिर क्या, उससे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखें जिससे कि जो पैसेज का एसेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, मतलब जो भी पैसेज की जान है उनको एक तरह से नोट डाउन कर लें कुछ पॉइंट्स को, और अलग से किसी पेपर पर रफ वर्क के लिए उस पर कुछ नोट डाउन कर लें तो वो बढ़िया रहेगा। और जो होता है पैसेज को जब अब लिखें आप, तो उसको अपने वर्ड्स में लिखना होता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि तुम अपना जो नॉलेज है, जो भी स्किल्स तुमने डेवलप की है, जो कुछ भी तुमने ज्ञान अर्जित किया है, तो उसको अप्लाई करने लगे। जो पैसेज में लिखा हुआ है सिर्फ उसी के बेस पे हमें लिखना होता है, बस अपने शब्दों में उसको थोड़ा रीस्ट्रक्चर करके लिखना होता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट शुड बी इंक्लूडेड, ऐसा नहीं कि कुछ पैसेज में कुछ छोड़ दिया तुमने, या तो मतलब छोड़े कम तो करेंगे, सीधी सी बात है, लेकिन ऐसा नहीं कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम मिस कर जाएं उसके। तो मतलब यू हैव टू टच हार्ट एंड सोल ऑफ द पैसेज, मतलब उसकी जो एसेंस है वो गुम नहीं होना चाहिए, उसको रखना होता है। और ये ध्यान रखें कि जो जिस टेंस, जिन भी टेंसेज में जो पैसेज में सेंटेंसेज बने हुए हैं उसी टेंसेज में बनाएं, और अगर आपको दो या दो से ज्यादा सेंटेंसेज को जोड़ना है तो प्रॉपर कंजंक्शन का यूज करें। और जो और हाँ, इसका ध्यान रखें कि जो आपको एक सेपरेट शीट मिलती है उसी पे इसको लिखे, जो आंसर शीट होती है उस पर ना लिखे, क्योंकि वो एक स्पेशल फॉर्मेट में होती है, एक्सेल टाइप की शीट होती है, तो उसी में लिखे। जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स का ध्यान रखे वो बिल्कुल ना हो। प्रेसिस हमें समरी लिखनी होती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप कुछ सेंटेंसेस को एलिमिनेट कर दें और बाकी जो बचे हुए हैं दो चार उनको लिख दें। तो मतलब फोर पॉइंट के अकॉर्डिंग, जैसे हमने बोला था कि अपने शब्दों में लिखना है, लेकिन अपनी नॉलेज या किसी भी ऐसे सेंटेंसेस को ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है उनको एलिमिनेट नहीं करना है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, मैंने बस ये एक छोटा सा दो तीन सेंटेंसेस लिए हैं, उसको कैसे हमें वहां लिखना है उस हिसाब से देखते हैं। एक तो वहां पे स्प्रेडशीट टाइप की होती है, तो हर वर्ड को अलग बॉक्स में लिखना होगा, जो भी स्प्रेडशीट टाइप जो हमें मिलेगी आंसर शीट। और ध्यान रखिए कि कॉमा और डॉट जो फुल स्टॉप है वो वर्ड के साथ ही आएंगे, जैसे यहाँ पे प्रोफेशन के साथ आया। और हर एक बॉक्स में सिर्फ एक ही वर्ड आपको लिखना है, और बस कॉमा और सेमी कॉलन या डॉट जो फुल स्टॉप है वो वर्ड के साथ लिखना है। और जैसे यहाँ पे ए सिंगल वर्ड लिखा हुआ है, और यहाँ पे मैंने स्टार्ट नहीं किया, तो यहाँ पे आप एक ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, जैसे मतलब पैसेज लिखे जाते हैं नॉर्मल उस हिसाब से लिख सकते हैं। और जैसे ये कॉलन यहाँ पे आ गया, सेमी ये, कॉमा यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे मैंने, अगर आपका सेंटेंस खत्म हो जाता है तो आगे के जो बॉक्सेस हैं उनको आप खाली छोड़ सकते हैं, और नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट करने से पहले चाहे तो ये खाली छोड़ सकते हैं एक बॉक्स। तो फिर यहाँ से मतलब जो नॉर्मल फॉर्मेटिंग होती है पैसेज ही, उस हिसाब से इसको लिखेंगे, लेकिन एक बॉक्स में एक ही वर्ड लिखेंगे, इसका ध्यान रखें, और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो, क्योंकि सारे वर्ड अलग अलग हैं तो एकदम से पता चल जाता है कि हाँ ग्रामेटिकल मिस्टेक है। आगे देखते हैं आर्ग्यूमेंट राइटिंग क्या होता है। एक्चुअली ये ऐसे टाइप का होता है, आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे होता है ये। तो इसमें क्या करना होता है, आपको फोर में पॉइंट्स लिखने होते हैं और अगेंस्ट में पॉइंट्स लिखने होते हैं। तो हमें जो मेन हमारा स्ट्रक्चर रहेगा वो इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन फॉर्मेट में रहेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले जो इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे उसमें हम थोड़ा डेटा, अगर हमें याद रहे तो कुछ डेटा दे सकते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में, और अगर कोर्स याद रहे तो कोर्स भी लिख सकते हैं, जैसे एसे के लिए लिखते होते हैं, क्योंकि कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं एसे राइटिंग में। तो अगर जो भी आपको याद आ जाए तो कोर्स लिख दें, और उनका सोर्स भी बता दें।
गिव द सोर्स एज वेल। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने दिया है, बी द चेंज यू वॉन्ट टू सी इन द वर्ल्ड, तो इसमें महात्मा गांधी जी ने कहा था ये, तो इसको ऐसे लिख दिया मैंने। अब देखते हैं जो मेन बॉडी होती है हमारी वो यहाँ पे आएगी। इसमें क्या है, एक्सप्लेनेशन देनी है, जो भी टॉपिक होगा उससे डिटेल्स उसकी जो भी होंगी उन सबको इकट्ठा करके यहाँ पे आपको उसके बारे में जस्टिफाई करना और एक्सप्लेनेशन देना है। और जो यहाँ पे इसी बॉडी में जो आपके दो दो पार्ट रहेंगे, एक तो फोर पार्ट रहेगा और अगेंस्ट पार्ट रहेगा। अगर आप एक एक पैसेज में भी काम करना चाहें तो एक एक में कर सकते हैं, या तो आप छोटे छोटे दो दो पैसेज उन दोनों के बना सकते हैं, और बीच में इन दोनों को सेपरेट करने के लिए या तो एक लाइन खाली छोड़ दें, मतलब कुछ डिस्टिंग्विश हो जाने चाहिए कि फोर और अगेंस्ट वाले जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उनके बीच में कुछ डिस्टिंग्विश हो जाना चाहिए। तो बेटर रहेगा कि बस एक लाइन खाली छोड़ दे, तो उससे पता चल जाएगा। अब आता है हमारा नेक्स्ट जो पार्ट होता है इसका, कंक्लूजन पार्ट। सो सबसे लास्ट में लिखेंगे, इसमें जो है आपको बैलेंस व्यू रिप्रेजेंट करना होगा कि दोनों को मतलब जो कि जस्टिफाई कर रहा हो, या तो एक मिड वे जो हो उसको लेके यहाँ पे थोड़ा लिखना होगा। बस ज्यादा लंबा नहीं लिखना इसको, तीन चार सेंटेंसेस या तो दो तीन तीन लाइन में हो जाए तो काम बन जाएगा अपना। तो अभी इसके लिए आप प्रैक्टिस करने के लिए फ्राइडे जो द हिंदू आता है उसमें एक आर्टिकल आता है जो एडिटोरियल पेज के साथ में होता है, तो उसमें जो है तीन व्यू दिए होते हैं, लेफ्ट राइट और सेंटर, मतलब फोर अगेंस्ट और जो मिड वे होता है। तो उसको आप दो तीन पेपर पढ़ ले, तीन चार पेपर जो अच्छे टॉपिक लगे, और मैंने इसमें एक एग्जाम्पल भी दिया है, तो उनको पढ़ के प्रैक्टिस कर लें। मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, 17 फरवरी का पेपर था। तो इसमें क्या था कि इलेक्शन जो फंड होता था, उस समय इलेक्शन चल रहे थे तो उस टाइम का टॉपिक है। तो इसमें क्या पूछा था कि शुड इलेक्शंस बी फंडेड, स्टेट फंडेड, मतलब जो गवर्नमेंट है उसको फंड करना चाहिए क्या जो इलेक्शंस होते हैं। तो इसमें योगेंद्र यादव जी ने लिखा था, जो फोर में लिखा था कि हाँ होना चाहिए, और मनीष तिवारी ने लिखा था अगेंस्ट में। तो देखते हैं, छोटे छोटे पॉइंट बस ये समझने के लिए मैंने लिखा है, कुछ खास ऐसा है नहीं। वैसे टॉपिक तो काफी अच्छा है, शुड इलेक्शन बी स्टेट फंडेड। तो इन्होंने क्या कहा था कि ब्लैक मनी को कर्व करने से अच्छा है कि व्हाइट मनी हम पॉलिटिक्स में इन्फ्यूज कर दें। उसके लिए जैसे भी कोई स्कीम बनाते हैं तो उसको इस तरह से डिजाइन किया जाए कि व्हाइट मनी जो पॉलिटिक्स में है वो आ जाए, क्योंकि जो रिप्रेजेंट मतलब ट्रांसपेरेंट रहेगी और फ्लेक्सिबल रहेगी। ऐसे मतलब इस तरीके से मनी को पॉलिटिक्स में इंक्लूड करा जाए, इन्फ्यूज किया जाए, ताकि वो ट्रांसपेरेंट और फ्लेक्सिबल रहे। और उन्होंने एक प्रपोजल भी दिया था जिसको उन्होंने जस्टिफाई किया था कि एक वोट अगर एट द एंड ऑफ द एवरी इलेक्शन, सो जो कैंडिडेट्स हैं जिनको जितने भी वोट मिले हैं उस हिसाब से उनको 100 रुपीज पर वोट के हिसाब से उनको दे दिया जाए। इसके ड्रॉबैक्स को उन्होंने टैकल करने के लिए भी कुछ सजेशन दिए थे कि जैसे जो भी कैंडिडेट्स उन्हीं को मिलेंगे जो एटलीस्ट 1% वोट जिन्होंने सिक्योर किए होंगे। यहाँ पे वो लिखा नहीं है, बस ये 100 रुपीज वाला लिखा है। मैंने बस ये समझने के लिए डाल दिया है ताकि आपको फोर और अगेंस्ट का पता चल जाए। और अगेंस्ट में इन्होंने मनीष तिवारी जी ने लिखा था कि कैंडिडेट जो होते हैं उनको बहुत सारे सोर्सेज से फंडिंग होती है, और जो भी मतलब पॉलिटिकल कैंडिडेट्स होते हैं उनको फंडिंग का इतना मतलब सोर्स का पता चलता नहीं है, तो उनके फ्रेंड्स भी होते हैं, इंडिविजुअल्स भी होते हैं, मतलब कहीं से भी फंडिंग आती रहती है। तो ऐसा कुछ डेफिनेट भी नहीं है कि हाँ उसको रोका जाए और फिर स्टेट फंडिंग की जाए। इन्होंने मतलब इन्होंने अगेंस्ट में व्यूज दिए थे उसके। और ये जो था आपका जो उनके जो था इनकम होती थी उसके लिए कोई ऑब्लिगेशंस नहीं था उनके पास कि हाँ कितना पैसा उन्होंने इकट्ठा किया, उनकी फंडिंग हुई और कहाँ से इकट्ठा हुआ। अभी उन्होंने एक सजेशंस भी दिया था, सजेशन दिया था कि फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि जो बजट स्पीच में कहा था, जैसे उन्होंने मतलब एक स्टेटमेंट रख दिया यहाँ पे उसको जस्टिफाई करने के लिए अपने आर्ग्यूमेंट्स को, तो उन्होंने कहा कि जो फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट स्पीच में कहा था कि जो फंडिंग अनडिस्क्लोज होती थी उसको 20,000 से सीलिंग वैल्यू हटा के और 2,000 कर दी गई है, तो ये करप्शन को कम करने में हेल्पफुल होगी। तो बस इससे समझ लें कि इस टाइप के हमें फोर और अगेंस्ट में व्यूज लिखने हैं। आगे आता है हमारा रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग में क्या होता है, ये दो प्रकार की होती है, एक तो न्यूज़पेपर के लिए या तो मैगजीन के लिए होती है जिसमें मोस्टली हम पास्ट टेंस में लिखते हैं, और जो फैक्चुअल रिपोर्ट होती है जैसे पीपल या प्लेस के बारे में तो इसमें ज्यादातर प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है। जैसे लास्ट ईयर का एक एग्जाम्पल था, मतलब टेंसेस तो डिसाइड कर लेंगे, जो भी टॉपिक अगर करंट वाला और कंटिन्यूअस वाला है तो उसमें हम प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे, और अदरवाइज तो पास्ट टेंस में लिखेंगे। जैसे लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था रिसीडिंग ग्लेशियर के बारे में लिखनी थी रिपोर्ट, तो वो मोस्टली मतलब जो करंट इवेंट्स थी और हैपनिंग इवेंट्स थी तो उसमें हम प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। और इसमें क्या होता, अगर आपको कोर्ट अगर याद आ रहे हैं तो कोर्ट्स को डायरेक्ट स्पीच में लिखें, और अगर किसी का स्टेटमेंट आपको लिखना है तो एक्टिव वॉइस में लिखें तो बेहतर होगा। यहाँ पे वैसे पैसिव वॉइस भी लिख सकते हैं, जैसे जैसे कि कुछ फंड अनाउंस किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा,
इस तरह से कोई सेंटेंस अगर बनाना चाहे तो रिपोर्ट में आप टाइटल भी लिख सकते हैं अगर पूछा गया है। क्वेश्चन की इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़े, अगर क्वेश्चन में पूछा गया है कि टाइटल के साथ लिखें तभी रिपोर्ट में टाइटल लिखेंगे। और इसके फॉर्मेट के लिए आगे देख लेते हैं, ये देखिए अगर टाइटल उसमें पूछा हुआ है टाइटल या हेडिंग तो यहाँ पे एक टाइटल आप सेंटर में थोड़ा शिफ्ट करके मतलब सेंटर पे लिख देंगे। और मैंने ये फॉर्मेट बनाया है खुद से क्योंकि कई जगह पे क्या है कि डेट जैसे यहाँ पे एंड की है तो यहाँ से स्टार्ट कर दिया। मैं समझता हूँ कि ये बेटर रहेगा कि इस लाइन से अगर स्टार्ट करें प्लेस और डेट डाल के और नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करते हैं कि जो भी डिटेल्स है। पहली लाइन में हमारा जो इंट्रोडक्शन रहेगा ये इतना पार्ट, तो इसमें क्या करेंगे हम डिटेल्स लिखेंगे कि क्या हुआ कैसे हुआ कब हुआ, मतलब जो भी ये व्हाट व्हेन वेयर हु अकॉर्डिंगली जितना भी टॉपिक में दिया होगा उस हिसाब से क्या क्या कब कैसे हुआ वो सब इंट्रोडक्शन में आ जाएगा। दूसरा हमारा बॉडी आएगा तो उसमें क्या करेंगे डिटेल डिस्क्रिप्शन होगा जो भी इंसिडेंट हुई है प्लेसेस पे या तो जो भी रीजंस रहे हैं उसके या तो रिजल्ट्स और रिपरकशंस रहे हैं जो भी आउटकम्स जितने भी रहे हैं वो सारी डिटेल्स यहाँ आ जाएंगे। और एक पैराग्राफ बनाएंगे दूसरा इसी बॉडी पार्ट में ही रहेगा तो उसमें जो एक्टिविटीज या तो अफेक्टेड पीपल्स या स्टेप टेकन बाय अथॉरिटी या तो गवर्नमेंट के जो भी मतलब अथॉरिटी और गवर्नमेंट और स्टेटमेंट्स ऑफ इम्पोर्टेंट पीपल्स, तो ये इसमें मतलब इसमें दो तीन पैराग्राफ छोटे छोटे अगर बना सकते हैं तो दो तीन पैराग्राफ बना देते हैं और ये हमारा मेन बॉडी पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। नीचे आता हमारा कंक्लूजन, इसमें क्या करेंगे एक स्टेटमेंट मतलब कंक्लूजन जो लिखते हैं नॉर्मली जैसे ऐसे में कंक्लूजन लिखते हैं तो उसी हिसाब से बस इसमें भी तीन चार सेंटेंसेस में उसको कंप्लीट कर देंगे। ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए तो क्योंकि कंक्लूजन इतने बड़े होते नहीं है तो बस तीन चार सेंटेंसेस में उसको कंप्लीट कर देते। तो एग्जांपल देख लेते हैं, ये मैंने न्यूज़पेपर से उठाया अभी 14 जुलाई का, तो इसमें क्या है कि इधर की तरफ लिखा हुआ है डेट और टाइम। हम क्या करेंगे ये नाम हमें लिखने की शायद जरूरत नहीं, अगर पूछा गया है या किसी का दिया है कि तुम रिपोर्टर हो तो और उसके लिए रिपोर्ट करो तब हम यहाँ पे नाम लिख देंगे और फिर उसके पास में डेट और टाइम यहाँ आ जाएगा इतना हमारा और फिर यहाँ से स्टार्ट कर देंगे जो भी हमारा इंट्रोडक्शन और मेन बॉडी। ये अब जैसे इसमें लिखा हुआ है कि इसने पहले इवेंट का बता दिया कि 2 persons have been killed या were killed in several injured और कहाँ कहाँ हुआ कि इन कम्युनिटी में और सौराष्ट्र रीजन में हो गया, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन मतलब कब हुआ कहाँ हुआ कैसे हुआ क्या हुआ ये इंट्रोडक्शन में आ जाएगा। अब जो मेन चीज है कि उसकी डिटेल्स जैसे दी हुई है कि मोर देन 20 व्हीकल्स, ये आप एक बार पढ़ लें इसको तो आपको पूरा पता चल जाएगा। और ये जैसे कंक्लूजन में आ जाएगा कि क्लैशेस बिटवीन, ये मतलब जो मेन चीज थी जो सेम है मतलब पहले इंट्रोडक्शन दिया फिर इन दो सेंटेंसेस में इन जो ये बीच वाले दो पैसेज है इनमें डिटेल्स दी और लास्ट वाले में कंक्लूजन दे दिया, तो इस हिसाब से आप तैयारी कर लें। प्रैक्टिस जरूर कर लें, न्यूज़पेपर ज्यादा से ज्यादा पढ़ लें ताकि रिपोर्ट आपको मतलब एक दिमाग में रख के कि हाँ रिपोर्ट के व्यू से हम पढ़ रहे हैं उस हिसाब से कोई भी न्यूज पढ़े तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे लिखी गई है न्यूज। तो दोस्तों आज के डिस्कशन में बस इतना ही, थैंक यू।